हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा शर्मा, वेलकम टू योर माय चैनल। देखिए, हम लोग स्टाफिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। स्टाफिंग जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने सिलेक्शन प्रोसीजर तक किया है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद में हम एम्प्लॉइज़ का फाइनल सिलेक्शन कर लेते हैं। जब एम्प्लॉइज़ हमारा फाइनली सेलेक्ट हो गया तो उसे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाने के लिए, चेंज करने के लिए, या फिर उसे वर्क में स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए हमें उसे रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग देने की। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने न्यू एम्प्लॉय को, न्यू कमर को ही हम ट्रेनिंग दें। हम अपने जो हमारा अभी एम्प्लॉय है, एग्जिस्टेड एम्प्लॉय है, हमारा प्रेजेंट एम्प्लॉय है, हम उसके स्किल्स को डेवलप करने के लिए और उसकी वर्किंग को और ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए भी उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ट्रेनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इवन ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, उस पर्सन, उस एम्प्लॉय के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ये एक पर्सन को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है, वो वर्किंग और ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और एफिशिएंट होकर जब वो वर्क करता है तो कंफर्म प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और कॉस्ट डिक्रीज होती है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं। तो अगर ट्रेनिंग के बारे में सोचा जाए तो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है उसके लिए, और द पर्सन, वो पर्सन जो ट्रेनिंग ले रहा है, दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारा वीडियो ट्रेनिंग से रिलेटेड है कि ट्रेनिंग क्या होता है, हम देखेंगे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे देता है, कौन कौन से ट्रेनिंग के मैथड्स होते हैं, और उन ट्रेनिंग मैथड्स में कौन कौन से ट्रेनिंग के मैथड यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है ट्रेनिंग की, क्योंकि ट्रेनिंग से एक पर्सन डेवलप भी होता है, उसके लाइफ में न्यू स्किल्स आती है, नए चेंजेस आते हैं, कुछ नया वो लर्न करता है, तो ट्रेनिंग उसकी लाइफ को डेवलप भी करती है। तो ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, दो हमने क्लासिफाइड किया है इसमें, टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग ले रहा है उसके लिए, और ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहा है उसके लिए। तो देखिए, फर्स्ट, ट्रेनिंग इज़ अ सिस्टमैटिक लर्निंग ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मैथड। हिट एंड ट्रायल मैथड का मतलब है कि हम चूक कर करके सीखें, गलतियों से सीखें। और अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हो ऑलरेडी, तो ये सिस्टमैटिक लर्निंग का मेथड है जिससे आप बार बार गलतियां करने से बचते हैं और वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स और मनी नहीं होते हैं। तो वेस्टेज नहीं होगा क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखने की बजाय ऑलरेडी ट्रेंड होकर वर्क को करते हैं। सेकेंड, देखिए, इट एनहेंस एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी बोथ इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वान्टिटी, लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स। वो एफिशेंसी को इनक्रीज़ करता है जिससे क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों इंक्रीज़ होती है और इससे ऑर्गेनाइजेशन को हायर प्रॉफिट्स अर्न होते हैं। थर्ड, देखिए, इट इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो वो फ्यूचर में अपने प्रमोशन के लिए भी मोटिवेट हो सकता है, अपने प्रमोशन के लिए भी ट्रेंड हो सकता है। तो फ्यूचर में अगर मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट हो तो हम अपने बेस्ट एम्प्लॉय को, जो उसको हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, वो एज अ मैनेजर हम उसे अपॉइंट कर सकते हैं और वो अपनी स्किल से बेटर वर्क हमें दे सकता है। नेक्स्ट, देखिए, इट रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉयज़ टर्नओवर बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज़ मोरल। देखिए, ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ का मॉरल इंक्रीज़ होता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर वर्क करते हैं और उनको वर्क करने में काफ़ी हैप्पीनेस फील होती है बिकॉज़ उनको वर्क करने से पहले हमने ट्रेनिंग दे दी है। इससे क्या होता है कि वो एब्सेंट होने की जो उनकी हैबिट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय एब्सेंट ज़्यादा तब होता है जब उसे वर्क से वो दिल चुराना चाहता है, उसका मन नहीं लगता वर्क में। पर अगर उसके पास ट्रेनिंग रहती है और वो एक्सपर्ट रहता है वर्क में तो एब्सेंट भी कम होता है और वो छोड़ के जाने की सिचुएशन भी कम होती है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉय का, किसी पर्सन का डेवलपमेंट करती है। और कोई भी एम्प्लॉय या पर्सन ये नहीं चाहेगा कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम छोड़ के जाएं जो उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग एन इफेक्टिव रेस्पॉन्स टू अ फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक। देखिए, एनवायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, डायनामिक है एनवायरमेंट, बहुत जल्दी जल्दी उसमें अप डाउन्स होते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल एनवायरमेंट में बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देंगे तो वो इनको चेंजेस करने के लिए बहुत अच्छे से उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इफेक्टिव रिस्पॉन्स आता है,
फास्ट चेंजिंग को अडॉप्ट करने में, आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए एग्री हो जाते हैं या कैपेबल हो जाते हैं अगर आप उनको ट्रेनिंग देते हो। तो ट्रेंड और स्किल्ड स्टाफ है वो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे चेंजेस को या एनवायरमेंट में हो रहे चेंजेस को भी ईजिली अडॉप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट देखिए टू द एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट देखिए, इट इम्प्रूव्स स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय। क्या करता है वो, एम्प्लॉयज़ की नॉलेज में और स्किल्स में डेवलपमेंट करता है, इम्प्रूव करता है, और जो हेल्प करती है उनको किस में, उनके प्रमोशन में और उनकी कैरियर को ग्रो करने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग लेगा तो उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे प्रमोशन के चांसेस उसके और कैरियर उसका डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए सेकेंड, इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय द एम्प्लॉयज़ हेल्प देम टू अर्न मोर। अगर एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग देते हैं तो वो उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती है, और जब उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी तो नेचुरल सी बात है कि उसकी अर्निंग भी इंक्रीज़ होगी, उसको और ज़्यादा सैलरी मिलेगी। एक अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ को उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को मिलती है। सो दैट ट्रेनिंग क्या करती है, अर्निंग में भी इंक्रीमेंट करती है। नेक्स्ट देखिए, इट मेक्स अ एम्प्लॉयज़ मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स को हैंडल करने में हेल्प करती है। क्योंकि ट्रेनिंग देने से एक्चुअली जब उसको वर्क करना होता है तो वो मशीन को आसानी से ऑपरेट कर सकता है, बिकॉज वो मशीन से रिलेटेड नॉलेज ले चुका है, वो मशीन से रिलेटेड ट्रेनिंग उसको प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। नेक्स्ट देखिए, इट इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। ये एक पर्सन के नाते, एक एम्प्लॉय के नाते उसके मोरल को इंक्रीज़ करती है और उसको और ज़्यादा अपने वर्क के लिए सेटिस्फाइड करती है। तो ये थी इम्पॉर्टेंस ट्रेनिंग की, किस किस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के लिए। ट्रेनिंग के बेसिकली दो मेथड्स हैं, ऑन द जॉब मेथड्स एंड ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड का मीनिंग होता है कि ऐसी ट्रेनिंग जो जॉब पर रहते हुए यानी विद सैलरी किसी को दी जाती है, एम्प्लॉय को दी जाती है, तो वो होती है ऑन द जॉब मेथड। इसमें एम्प्लॉय जॉब पर अपॉइंटेड होता है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिसाइडेड की भी ट्रेनिंग लेता है, तो इसको ऑन द जॉब मेथड कहते हैं। कि आप जॉब पे भी हैं यानी जॉब पे आप अपॉइंटेड हैं ऑलरेडी, आपका सैलरी आपको मिल रहा है, आप वहाँ पर एज ए एम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है। तो इन मेथड्स को हम ऑन द जॉब मेथड्स कहते हैं। ऑन द जॉब मेथड में आप पहला पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये क्या होती है, देखिए क्या होती है ये, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज़ अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच द ट्रेनी इज़ कैप्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर और एन एक्सपीरियंस गाइड फॉर अ प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड विच मे वेरी फ्रॉम 2 to 5 years। यानी ये 2 से 5 साल का, 2 to 5 years का हो सकता है, और इसमें एक मास्टर वर्कर होता है जो गाइड करता है अपने जितने भी ट्रेनी एम्प्लॉयज़ हैं उनको गाइड करता है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन होता है तो वो गाइड करता है, और अपने अंडर में जितने भी ट्रेनीज़ होते हैं उन ट्रेनीज़ को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। अभी इस ट्रेनिंग से रिलेटेड मेन मैटर्स क्या है, देखिए, फर्स्ट, इट डिज़ाइन टू एक्वायर अ हाई लेवल ऑफ स्किल। ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड है ये हाई लेवल स्किल को डेवलप करने के लिए प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब इसमें हाई लेवल स्किल्स कौन कौन सी हो सकती है वो देखिए आप, पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब। स्किल्ड जॉब का मतलब होता है ऐसे वर्क जो हाथ से किए जाते हैं और जिसके लिए काफ़ी सारी अच्छी एफिशिएंसी और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट एग्जांपल, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, आयरन वर्कर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के अंडर ही इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या लर्न करना है इसमें, कि प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन को कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है, आप बोलेंगे इसके लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जनरली प्लम्बर्स वगैरह को कौन सी ट्रेनिंग मेथड्स यूज़ किया जाता है, तो आप बताएंगे ऑन द जॉब, और ऑन द जॉब में भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड, द ट्रेनी इज़ पेड लेस देन द फुली क्वालिफाइड वर्कर।
जो फुली क्वालिफाइड वर्कर हैं उनसे कम उन्हें पेमेंट मिलता है। नेचुरल बात है कि यहाँ उनको अभी ट्रेनिंग दी जा रही है, और जब ट्रेनिंग दी जा रही है तो उनका पेमेंट क्या होगा, क्वालिफाइड पर्सन से कम होगा। तो उनका जो एक बॉस है, जो उनका सुपीरियर है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो उनको गाइड कर रहा है, उसको पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, और उन्हें अनक्वालिफाइड होने के कारण या ट्रेन नहीं होने के कारण उन्हें पेमेंट कम मिलेगा। व्हेन द ट्रेनी बिकम्स एक्सपर्ट इन डूइंग द जॉब, द ट्रेनी गेट्स फुल चार्ज ऑफ जो जॉब पोजिशन। और जब उसको फुल ट्रेनिंग मिल जाती है और जब वो एक्सपर्ट हो जाता है, तब उसको भी फुल चार्ज यानी फुल पेमेंट मिलने लग जाता है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जो स्पेशली किसको दी जाती है, प्लम्बर्स और इलेक्ट्रीशियन को दी जाती है। यही बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। सेकेंड देखिए, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है, देखिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है देखिए, इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट। ये क्या करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म्स होती ना, वो मिलकर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस फर्म दोनों मिल करके एक दूसरे मतलब एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बिजनेस फर्म हायर कर लेती है, और अपने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटर्नशिप के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। इसमें एक देखिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड, दे आल्सो वर्क इन सम ऑफिस टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल। वो ऑफिस में वर्क भी करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ने जिस इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेशन करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, वहाँ पर वो ट्रेनिंग भी लेते हैं। तो ये है तो ऑन द जॉब मेथड, पर इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो किसी पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होती है, ठीक है। तो ऑफिस और फैक्ट्री में वर्क करते हुए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, द बिजनेस फर्म गेट्स कैंडिडेट्स विद फ्रेश आइडियाज़ एंड लेटेस्ट नॉलेज। जो बिजनेस फर्म होती है वो कैंडिडेट्स को न्यू आइडियाज़ और लेटेस्ट नॉलेज के लिए इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा करके वो लेटेस्ट जितनी भी नॉलेज होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, लेटेस्ट इकोनॉमिक से रिलेटेड हो सकती है, लेटेस्ट टर्म से रिलेटेड, इन्वेंशन, डिस्कवरी, इन सब से रिलेटेड नॉलेज उनको मिल सकती है। एट द सेम टाइम द कैंडिडेट गेट अ चांस टू प्रैक्टिस अंडर द रियल वर्क सिचुएशन। और उसके साथ साथ जो ट्रेनी होता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहा है, और साथ ही साथ अपनी बिजनेस फॉर्म में आकर के उसका प्रैक्टिकल वर्क यानी प्रैक्टिकल सिचुएशन भी पे भी वर्क करके और प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है उसको भी ले लेता है। तो इस मेथड का ये बेनिफिट रहता है कि इंटर्नशिप जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस फॉर्म के बीच में होती है, तो उससे बेनिफिट ये रहता है कि वो ट्रेनिंग तो कहाँ लेता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेता है, और अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज वो अपनी बिजनेस फॉर्म पर आकर ले लेता है। तो ये भी ऑन द जॉब मेथड है। नेक्स्ट देखिए, नो सैलरी इज़ गिवन ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में कोई फिक्स सैलरी उनको नहीं दी जाती, बट नॉर्मली वेरी स्मॉल अमाउंट कॉल्ड स्टाइपेंड उनको मिलता है, एक बहुत स्मॉल अमाउंट उनको मिलता है। जैसे इससे पहले वाली ट्रेनिंग मेथड में था सेम, कि उनको एक फिक्स सैलरी या बहुत हायर सैलरी नहीं मिलती थी, एक्सपर्ट्स को ज़्यादा सैलरी मिलती थी, बिल्कुल वैसे ही इंटर्नशिप ट्रेनिंग में भी इसको पर्टिकुलर या फिक्स सैलरी नहीं मिलती, बट कुछ स्टाइपेंड अमाउंट ज़रूर मिलता है, कुछ लिटिल अमाउंट ज़रूर मिलता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग में। नेक्स्ट देखिए, इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है। इंडक्शन ट्रेनिंग रेफर्स टू द इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंट्रोड्यूस द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ टू द अदर एम्प्लॉयज़। यानी ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो नया एम्प्लॉई है या जो ट्रेनी एम्प्लॉई है उसको अदर एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और फैमिलाइज़ हिम हर विद द रूल्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंडक्शन में क्या ओरिएंटेशन की तरीके क्या ही है, इसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो न्यू एम्प्लॉई आता है, उस न्यू एम्प्लॉई को इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज़ अपने कोलीग्स रूल्स रेगुलेशन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उनको उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। फर्स्ट देखिए, इसमें इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू हेल्प अ न्यू एम्प्लॉई इन सेटिंग डाउन क्विकली इन टू द जॉब, कि जल्दी से वो सेट हो जाए अपनी जॉब से, क्योंकि वो न्यू आया है और उसको अपनी जॉब पर अभी न्यू है, उसको समझ
में नहीं आ रहा कुछ, तो वो ट्रेनिंग देने से वो बहुत जल्दी इंडक्शन से इंट्रोडक्शनरी जो ट्रेनिंग है उससे क्या होता है वो जल्दी से एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ और रूल्स रेगुलेशन को ईजीली समझ लेता है। द ड्यूरेशन ऑफ सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग मे बी अ फ्यू आर और फ्यू डेज, ये कुछ दिनों या फिर कुछ आवर्स के लिए ही होता है। इससे पहले जो हमने ट्रेनिंग मेथड देखे उसमें वो ईयर्स का भी हो सकता था और मंथ्स का भी हो सकता था, पर जो ये इंडक्शन ट्रेनिंग होती है ये बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। ये मान सकते हैं हम कि जनरली किसी न्यू एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय को जस्ट अपने कोलिग्स के साथ में, अपने वर्क और जॉब के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन के साथ में इंट्रोड्यूस करना ही इंडक्शन ट्रेनिंग कहलाती है। इसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। तो ये आपने देखे ऑन द जॉब मेथड, जिसमें अप्रेंटिसशिप देखा हमने, मैंने आपको बताया अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किसके लिए बेटर है, प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन वगैरह के लिए बेटर है। देखिए प्लम्बर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंडर में एक्चुअल में वर्क कर रहा है वहाँ पर, और उसको एक एक्सपर्टाइज पर्सन या गाइडेंस उसकी मिलती है और उसके अंडर में वो सारी एक्टिविटीज़ या वर्क को सीखता है। यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रीशियन है जो इलेक्ट्रीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंडर में एक गाइडेंस के थ्रू सीखेगा। तो इस तरीके से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जनरली प्लम्बर्स और इलेक्ट्रीशियन को ट्रेनिंग देने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ऑन द जॉब मेथड की बात आता है ऑफ द जॉब मेथड। ऑफ द जॉब मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जिसमें पेमेंट नहीं मिलता और आप जॉब पे अपॉइंट नहीं हुए होते हैं, यानी एक ऐसा मेथड है जिसमें आप जॉब पर अपॉइंट नहीं हैं, यानी जनरली इंस्टीट्यूशन जॉब से पहले या फिर कोई एम्प्लॉई अपने आप को जॉब पर जाने से पहले अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए इस तरीके की ट्रेनिंग लेता है। तो ऑफ द जॉब मेथड्स में हम देखेंगे फर्स्ट ट्रेनिंग मेथड्स है वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है ये देखिए, वेस्टिबल ट्रेनिंग मेथड में एम्प्लॉयज़ लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, बट द ट्रेनिंग इज़ कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। देखिए एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल उसी तरीके के एनवायरनमेंट को क्रिएट करके और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरीके के इक्विपमेंट, उसी तरीके की मशीनरी, उसी तरीके का वर्क एनवायरनमेंट, इवन ऑफिसेज वगैरह, फाइल्स वगैरह उसी तरीके से सेट करके और उसे एक ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एक्चुअल में कैसे वर्क करेगा। पर ये एक्चुअल वर्क पोजीशन पे नहीं होता है, यानी एक्चुअल ऑफिस में या एक्चुअल फैक्ट्री लेवल पे नहीं होता है, ये फैक्ट्री और एक्चुअल पोजीशन से दूर कहीं और करवाया जाता है, जिसमें वो ट्रेनिंग लेता है इक्विपमेंट्स पे, जो इक्विपमेंट्स उसको फ्यूचर में एक्चुअली में यूज़ करने हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट आर क्रिएटेड इन द क्लासरूम एंड एम्प्लॉयज़ यूज टू द सेम मटीरियल, फाइल्स एंड इक्विपमेंट्स। दिस इज़ यूजुअली डन व्हेन एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सफोस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। काफ़ी सफोस्टिकेटेड मशीनरीज जो होती है जिनको बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है, ऐसे इक्विपमेंट्स और मशीनरी की यूज़ के लिए जो एम्प्लॉयज़ को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। जनरली ये हो सकती है जैसे कंप्यूटर्स वगैरह ऑपरेट करना, या काफ़ी बड़ी और सफोस्टिकेट मशीन्स होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड होती है, उन पर ट्रेनिंग देने के लिए इस तरीके के मैथड को यूज़ किया जाता है, वेस्टिबल ट्रेनिंग मैथड्स को यूज़ किया जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है इसका, तो वो किस तरीके से आएगा, आपको पूछा जा सकता है कि सफोस्टिकेटेड मशीनरी या इक्विपमेंट्स पे ट्रेनिंग देनी है अगर एम्प्लॉयज़ को तो कौन से ट्रेनिंग मेथड्स को यूज़ किया जाता है। तो योर आंसर इज़ क्या होगा इसका आंसर आपका, वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग मेथड्स ऐसा है जो एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है बट एक्चुअल वर्क फ्लोर पे नहीं होता है, ये वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करके एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर में काम आने वाले इक्विपमेंट्स और मशीनरी पर एक्चुअल में वर्क करना सिखाता है। तो यह है वेस्टिबल ट्रेनिंग, ये ऑफ द जॉब मेथड है। ऑफ द जॉब मेथड का मतलब है आप जॉब पर अपॉइंटेड नहीं हुए हैं और इसमें कोई भी स्टाइपेंड या सैलरी या कोई भी लेस अमाउंट नहीं मिलता है, ये जॉब पर अपॉइंट होने से पहले दिया जाता है। तो ये आज आपके मेथड से ट्रेनिंग मेथड, जिसमें हम ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड देखे हमने। ऑफ द जॉब मेथड में एक ही बताया है सिर्फ, वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो होप करती हूँ आपको समझ आया होगा, अगर आपको वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए।